तो क्या आप अपने मोबाइल में फोकस डीएसएलआर ब्लर रिलेंस कैमरा का एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि फोकस डीएसएलआर ब्लर रिलेंस कैमरा का यूज कैसे किया जाता है, क्योंकि यह एप्लीकेशन बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन से अपने जो आपका फोटो होता है उसे आप रिलेंस कर सकते हैं, उसको आप ब्लर कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी फोटो को आप डीएसएलआर जैसा बना सकते हैं। तो आखिरकार इस एप्लीकेशन का कैसे आप अपने मोबाइल के अंदर यूज करेंगे, रिलेंस एप्लीकेशन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले और आपको सारी जानकारी के साथ आपको पता चल जाए कि इसका कैसे यूज करना है। तो हम यहां से बैक आएंगे। अब आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के अंदर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस एप्लीकेशन का डाउनलोड करने का। और आपको एक बात बता दें कि आपको लेटेस्ट वर्जन में इसे डाउनलोड करना होगा। तो लेटेस्ट वर्जन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा और इस पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। उसके बाद चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लेना होगा। अब आप यहां से बैक आ जाएं। जैसे आप इस एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेंगे, अब आप इसे ओपन कर लें। अब बात करेंगे कि इसके कौन कौन से फीचर हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। अब आप इसे इस लंग स्क्रॉल करें, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई देगा कॉमन बिलर और यहाँ पर मिलेगा डीएसएलआर बिलर। एक आपका बिलर ये होता है और एक आपका डीएसएलआर बिलर ये होता है। तो इस एप्लीकेशन का काम है कि आपकी फोटो को डीएसएलआर वाला बिलर कर देता है। उसके बाद आप इस लंग स्क्रॉल करें, अब यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपसे पैसे मांगे जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे फ्री में यूज करना चाहते हैं तो आप इसे फ्री में भी यूज कर सकते हैं। अब आप इसे बैक कर दीजिए, यहाँ से कट करके, यहाँ से आप कट करिए। अब इस एप्लीकेशन का होम पेज इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका होम पेज दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे रिलेंस मिल जाएंगे, आपको लेंस मिल जाएंगे डीएसएलआर कैमरा के। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहां पर मिलेगा डीएसएलआर ब्लर फोटो एडिटिंग, यहां पर क्लिक करके अपनी फोटो को एडिट कर पाएंगे अगर आपका फोटो गैलरी में है। लेकिन अगर आपका फोटो गैलरी में नहीं है और अपने कैमरे से फोटो को क्लिक करना चाहते हैं तो आप शूटिंग के विकल्प पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अपने कैमरे की परमिशन को अलाउ कर दें, अलाउ करने के बाद यहां आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अपने कैमरे से कोई भी आप फोटो को यहां पर क्लिक कर लीजिए इस तरीके से। जैसे आप फोटो को क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद जैसे आप फोटो को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर आपका फोटो आ जाएगा। अपने फोटो पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद यहां पर आपका फोटो दिखाई देगा। अपनी फोटो को आप रिलेंस कर सकते हैं यहीं पर क्लिक करके। बहुत सारा विकल्प आपको यहां पर मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं रिलेंस, और हमारा फोटो रिलेंस होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहां से बैक आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारा समय लगता है, तो हम यहां से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अगर आपका फोटो आपके गैलरी में है तो आप रिलेंस कैसे करेंगे, फिर आपको यहां पर एडिटिंग फोटो पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, गो के विकल्प पर क्लिक करना होगा, यहां पर आपको अलाउ करना होगा। जैसे आप परमिशन दे देते हैं, अब आपको यहां पर थोड़ा सा नीचे आना होगा। जहां पर भी आपका फोटो हो आपको अपना फोटो लेना होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये फोटो है और इस फोटो को मैंने यहां पर ले लिया है। थोड़ा सा आपका यहां पर समय लगेगा और आपका फोटो ऑटोमेटिक एआई के द्वारा यहां पर ब्लर हो जाएगा, कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा। इसलिए यह एप्लीकेशन बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है और यहां पर ऑटोमेटिक आपकी फोटो ब्लर हो जाती है। जैसा कि यहां पर बताया गया कि आपको पॉपअप पर क्लिक करना होगा, यहां पर आपको दिखाई देगा कि अभी हमारा यहां पर फोटो ये ब्लर नहीं है। देख सकते हैं कि यहां पर इसके पीछे का बैकग्राउंड हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी फोटो का बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, इसके पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर मिल जाएगा फ्लेम का, यहां पर मिल जाएगा शेप का, यहां पर मिल जाएगा फोकस का। तो आप इसका भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं इस तरीके से। फोकस का मतलब है जहां पर भी आप कहेंगे वहां पर ब्लर करेगा, जहां पर नहीं कहेंगे वहां पर ब्लर नहीं करेगा, इस तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर इस तरीके से ब्लर करता है ऑटोमेटिक। उसके बाद यहां पर आपको साइज पर क्लिक करना होगा। साइज पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखेंगे कि हमारी फोटो का जो यहां पर ब्लर साइज है वो यहां पर कम हो गया है, तो इस तरीके से क्लिक करेंगे, साइज पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहां पर आपको मिल जाएगा बहुत सारे लेंस, अब आप इस पर क्लिक कर दें। अगर आप लेंस यूज करना चाहते हैं तो ये आपको सारे के सारे प्रीमियम में मिलेंगे और इनका फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं, चाहो तो आप सारे फीचर यूज कर सकते हैं लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा। मैंने आपको सिर्फ फ्री वाले के ऑप्शन के बारे में बताया हुआ है, तो यहां पर आपको फ्री का ऑप्शन मैंने बता दिया है। फ्री का ऑप्शन कैसे यूज करेंगे, तो बस आपको अपनी फोटो पर क्लिक करना होगा। फोटो पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करना होगा, आपका फोटो यहां पर
ब्लर हो जाएगा। ब्लर होने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव करने का, अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, आपका फोटो यहाँ पर सेव हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपका यह फोटो HD में चला गया है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव करने का, अब आपको इस सेव के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, आपका फोटो आपके गैलरी में चला जाएगा। तो इस तरीके से अपने इस एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं मिलेगी, मैंने आपको पूरी जानकारी के साथ बता दिया है। अगर आपने अभी तक भी आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के बाद चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।